24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सरी। मैं हूं जशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। जाली कोरोना रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान का सफर करने के वाकयात का सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस ले लिया। सिविल एविएशन के मुताबिक कुछ मुसाफिरों ने जाली PCR मनफी रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान का सफर किया। तफसीलात जान लेते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताएगा इस सिलसिले में क्या इकदाम किए जा रहे हैं। सिविल एविएशन ने उसका नोटिस दिया है कि कुछ मुसाफिरों ने जाली PCR मनफी टेस्ट के जरिए पाकिस्तान का सफर किया, और साथ में ये भी कहा है कि ऐसे मुसाफिरों ने साथ सफर करने वालों को भी खतरे में डाला है। इन वाकयात से कोरोना पर काबू पाने के लिए कौमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा है। सिविल एविएशन ने अब पाकिस्तान आने वाली जो तस्दीक शुदा लेबोरेटरी से ही कोरोना टेस्ट कराएं ये हिदायत दी है, और दुरुस्त QCR कोड के बगैर किसी मुसाफिर को मनफी रिपोर्ट कबूल नहीं की जाएगी ये भी कहा गया है। रिपोर्ट की कॉपी काबिल कबूल नहीं होगी। ऐसे मुसाफिर जो पास ट्रैक ऐप में रजिस्टर्ड नहीं होंगे वो पाकिस्तान का सफर नहीं कर सकेंगे, और ये भी कहा कि तमाम एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी कर दी गई है इसके अमल दरामद कराएं। सिविल एविएशन के साथ जो एयरलाइंस ऑपरेटर हैं स्टेक होल्डर्स की भी जिम्मेदारी है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदाबख्श में भुट्टो मज़ार पर हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो समेत दीगर शहदा के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भी दुआ की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदाबख्श मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। पंजाब पुलिस के शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने और उनके अहले खाना को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए शेखुपुरा पुलिस ने अहसन इकदाम किया। DPO गुलाम मुबशर मैकन और एडिशनल SP आसिफ अमीन अवान शहदा के घर गए। अहले खाना को ईद राशन नकदी और ईद तहाइफ पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पुलिस अफसरान ने अहलकारों के हमराह शहदा के बुलंद दर्जात के लिए भी दुआएं की। DPO गुलाम मुबशर मैकन का कहना था कि शेखुपुरा पुलिस के 75 जवानों ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया, जिनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पंजाब पुलिस शहदा के अहले खाना के साथ खड़ी है। ईद के मौके पर पूरे पंजाब में पंजाब पुलिस की तरफ से अपने शहदा को याद रखा जा रहा है, और उनके घरों में हम ईद के मौके पर ईद मुबारक कहने गए हैं। ज़िला शेखुपुरे में 75 शहदा हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और कुछ इस ज़िले के हैं और कुछ आउट डिस्ट्रिक्ट के दीगर अजला के हैं। तो उन तमाम के घरों में महकमे की तरफ से ईदी कुछ राशन का सामान और एक याद दहानी, क्योंकि शहीद जो है उन्होंने तो इस मुल्क के लिए और इस माशरे के लिए और अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। वैसे तो ईद की तैयारियों में हर कोई मसरूफ है, लेकिन ख्वाजा सरा अपनी ईदों की तैयारियां कैसे करते हैं, देखते हैं गोहर महसूद की रिपोर्ट में। में ख्वाजा सरा अपने अंदाज में ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। बनाओ सिंगार ख्वाजा सराओं का खासा रहा है, चुड़िया हो या नए कपड़े, ख्वाजा सराओं ने भी ईद की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी रखी हुई हैं। जारी बात है, ईद की खुशी सबको होती है। दही बड़े घर पे बनाऊंगी, फ्रूट चाट बनाऊंगी, गोश्त वगैरह बनाऊंगी, सेवइयां बनाऊंगी, सब कुछ मैंने घर पे बनाना है। कोविड की वजह से ईद का कोई मजा ही नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, फिलहाल तो मैं ले ही नहीं रही। मेरे शिगिर्द हैं बैठे हैं और इनके लिए शॉपिंग की है, ज्वेलरी शुलरी जो इनको पसंद था। ख्वाजा सराओं का कहना है कि वैसे तो वो भरपूर तरीके से ईद मनाते हैं, लेकिन एहसासात की बुनियाद पर उनकी ईद दूसरे इंसानों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती है। ख्वाजा सरा भी दूसरे इंसानों की तरह ईद की भरपूर तैयारी करते हैं। इनको कमी महसूस होती है तो सिर्फ अपनों की। कैमरामैन वाजिद मुगल के हमरा गोहर में सूर 24 न्यूज इस्लामाबाद। सऊदी सिविल एविएशन ने मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए करंटीना लाजिम करार दिया गया है। पाबंदी से इस्तस्ना वाले ममालिक के मुसाफिरों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाजिम होगी। हेल्थ इंश्योरेंस से कोरोना वायरस की सूरत में तिब्बी सहूलियात मैसर की जाएंगी। सऊदी हुकूमत की जाने से जारी करदा तस्दीक शुदा कोरोना वायरस लगवाने वाले मुसाफिरों को करंटीना और इंश्योरेंस की छूट होगी। पुराने वक्तों में ईद करीब आते ही जगह जगह ईद कार्ड्स के स्टॉल्स लग जाते थे। लोगों की अक्सरियत अपने प्यारों से ईद कार्ड्स के जरिए मोहब्बत का इजहार करती थी, लेकिन मोबाइल फोन ने ये रिवायत खत्म कर दी। एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखते हैं। बाकी का इंतजार रहा न कार्ड मिलने की उम्मीद। जदीद दौर ने कार्ड के जरिए अपनों को ईद की मुबारकबाद देने की रिवायत ही बदल दी। अब सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देती हूँ हार्डली,
लोगों को सेंड भी नहीं करती मैसेजेस इंडिविजुअली, हार्डली व्हाट्सएप मैसेजेस कर देते हैं। बट एक टाइम था जब एक दूसरे को कार्ड भेजते थे। कॉपी एंड पेस्ट वाली जिंदगी हो गई है। जब ईद कार्ड वगैरह भेजे जाते थे उसमें एक उनसियत होती थी, एक प्यार होता था, मोहब्बत होती थी। पहले मोबाइल पर पैगाम, फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज लिखकर हर एक को भेजा जाने लगा। शहरियों ने मसरूफियत और वक्त की कमी को वजह करार दे दिया। अब तो क्योंकि स्टॉल्स भी नहीं लगते और लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि टाइम भी नहीं होता, तो इस वजह से हम लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को विश कर देते हैं। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के जरिए ईद की मुबारकबाद देने को तरजीह देती है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर मिलने वाले मुबारकबाद के पैगाम में वो अपनाइयत कहाँ जो ईद कार्ड भेजने और वसूल करने में होती थी। कैमरामैन अरसलान बलोच के साथ एहतिशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सवैयों को ईद उल फितर की खास सौगात कहा जाता है। ईद के दस्तरखान में सवैयाँ ना हो तो मीठी ईद का मज़ा फीका पड़ जाता है। ईद करीब आते ही फैक्ट्रियों में सवैयों की तैयारी तेज़ हो गई। सवैयों की तैयारी के मराहिल पर देखते हैं लाहौर से अनाशिया पाशा की रिपोर्ट। ईद उल फितर को मीठी ईद सवैयों की वजह से कहा जाता है। ईद के दिन मीठे में सवैयों का एहतमाम दहाइयों पुरानी रिवायत है। दस्तरखान पर सजने से पहले सवैयां फैक्ट्री में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर तैयार होती हैं। सबसे पहले सूजी और मैदे के आमेजे को गूंदा जाता है, फिर इसे मशीन में डालकर सवैयों की शक्ल दी जाती है। मशीन से निकलने वाली सवैयों को सुखाने के बाद भट्टी में पकाया जाता है। ईद के करीब आते ही फैक्ट्री में काम बढ़ जाता है। कारीगर दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर मार्केट की तलब के मुताबिक सवैयां तैयार होती हैं। ईद के दिनों में माह रमजान में ये काम डबल हो जाता है और हमें दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। शहरियों का कहना है मीठे में बहुत सी नई वैरायटी आ गई है, लेकिन ईद पे जो मजा सवैयों का है वो किसी और में नहीं। सेवियां ईद की सौगात है, इससे ईद की खुशियां दुगनी हो जाती हैं। ये गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है। शहरियों का मानना है कि मीठी ईद पर सवैयां दस्तरखान पर होनी चाहिए, वरना मीठी ईद फीकी पड़ जाती है। हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान की सदर और हकीम सईद की साहबजादी सादिया राशिद ने कहा है कि माह रमजान अल मुबारक हमें अमन और बर्दाश्त और बाहमी अखुवत का दर्स देता है। पाकिस्तान को अमन इतिहाद और भाईचारे की अशद ज़रूरत है। हमें चाहिए कि इस माह की मुबारक बरकात को समेटते हुए खसूसी दुआओं का अहतमाम करें। उन्होंने कहा कि हकीम सईद की ज़ेर हिदायत हमदर्द और इसके तमाम इदारे हर साल 27 रमजान मुबारक को यौम आज़ादी और यौम तशक्कुर के तौर पर मनाते हैं। इत्तेहाद मिल्ली हमारे मजहब का मुश्तरक वरसा और सरमाया है। कराची में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के घर पर खत्मे कुरान की महफिल मुनाकिद की गई, जिसमें साबिक क्रिकेटर मोइन खान, सईद अनवर और स्कॉच लेजेंड जहांगीर खान समेत दीगर शरीक हुए।